ओके, वी आर बैक अगेन। वैल्यू ऑफ आर एल दैट एब्जॉर्ब मैक्सिमम एवरेज पावर, आर एल की वैल्यू बतानी है जो मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगी। मैंने बताया इस बार ये कौन सा केस है, अगेन जब व्हेन आर एल जो हो वो क्या हो, प्योरली रेजिस्टिव, और जेड टी एच जो हो वो हो कॉम्प्लेक्स, देन कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर इज मोड ऑफ जेड टी एच। ठीक है, तो हमें जेड टी एच निकालना, उसका मोड निकाल देंगे। अगर हमसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती, मैं वो बता दे रहा हूँ, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी हम क्या निकालते हैं उसके, मोड ऑफ वी टी एच का स्क्वायर अपॉन फोर आर टी एच प्लस आर एल, अगर ये पूछा होता। ठीक है, हमें यही निकालना। तो देखो अब कैसे निकालेंगे, जेड टी एच यहाँ पे देखो इस सर्किट में क्या आ रहा, डिपेंडेंट सोर्स आ रहा है एक, और डिपेंडेंट सोर्स जब आ जाए, एक तो इसमें डिपेंडेंट सोर्स आ रहा है, सेकंड थिंग क्या, ये जो सुपर नोड बनना है, देखो दो नोड के बीच में केवल एक वोल्टेज सोर्स आ जाए तो उसे हम सुपर नोड कहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखो पहले मैं जैसे जेड टी एच फंड करते हैं तो पहले वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करूँगा, डिपेंडेंट को नहीं छेड़ते हैं। ठीक है, इसमें आई नोट करंट फ्लो हो रही है, जे 20 ओम, इसमें है -J10 ओम, और ये है ±4 I0, ये -J10 ओम। ठीक है, और जिन दो टर्मिनल के बीच में पूछा जाए वहाँ पे क्या कर देते हैं, एक ओपन सर्किट वोल्टेज लगा दो, मैंने कह दिया V, और इससे करंट फ्लो करा दी I। ठीक है, तो यहाँ से जेड टी एच देखने पे मुझे क्या मिलेगा, जेड टी एच जो होगा वो V अपॉन I होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे देखो ये तीनों पैरेलल में, तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, मैंने इसको कह दिया V1। ठीक है, इसको मैंने कह दिया ग्राउंड, तो V1 जो होगा, तो इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो जीरो माइन, देखो इस वाला वोल्टेज -V1, ठीक है, 40 I0, तो यहाँ से V1 कितना आ गया, -40 I0। नेक्स्ट थिंग, ये V है तो ये भी V होगा। ठीक है, तो V1 - V कितना आ गया, V1 - V कस टू कितना आ गया, 4 I0, और V1 की वैल्यू आ चुकी है हमारी यहाँ पे -40 I0 - V इजिकल्स टू 4 I0, तो V की जो वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी यहाँ से, -44 I0। ठीक है, इसको मैं चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो सुपर नोड का कंसेप्ट यूज़ करना, जब सुपर नोड का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, मैं एक बार सर्किट को दोबारा से ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि समझ आ सके, एक बार बस ध्यान से देख लेना सुपर नोड को कैसे करते हैं सोल्व। जो सुपर नोड वाला टर्मिनल होगा, जिन दो टर्मिनल के बीच में बना होगा, उनको ध्यान से देखना। ठीक है, एक पल के लिए ऐसा क्या होता है, ये हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जहां वो लगा हो तो हम क्या कर देते हैं, उसको इग्नोर सुपर नोड वाले में। ठीक है, तो यहां सारी करंट आई, और ये है वी, ये -J10 ओम, और ये भी -J10 ओम, ये J20 ओम, और ये 40 ओम, यहाँ से I0 आ रही है करंट। ठीक है, यहाँ पे ये V1 है, ये भी V1 है, और ये है V, ये V है ना। अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा ना एक बार के लिए इसे, ये क्या करते हैं हम, इसे एक ही नोड मान लेते हैं। ठीक है, इसे उसे एक नोड मान लेते हैं, तो इसमें करंट ऐसे जा रही, मैंने मान ली इसमें ऐसे जा रही है, और इसमें ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला, तीनों को मैं क्या क्या करेंगे, ये तीनों एक ही जगह माने जाएंगे। ठीक है, जब सुपर नोड का कंसेप्ट आता है तो क्या होगा, जितने भी इसमें होंगे इनके बीच में देखो कोई रजिस्टर नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, ये दोनों तो ऑलरेडी हैं, तो इसे भी हम क्या मानेंगे, इसके साथ ही मानेंगे, अगर ये इसके साथ है, ये तीनों एक जगह होंगे। तो अब मैं देखो सुपर नोड के कंसेप्ट इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो इस वाले नोड पे, इस पे, इस पे, तो करंट क्या आ रही है, ये आ रही है, ये भी आ रही है, तो I0 + I जा कौन सा रही है, V1 / J20
v1 अपॉन माइनस जे टेन, और v1 यहाँ पे कितना है वोल्टेज, v अपॉन माइनस जे टेन। ठीक है, देखो इन दोनों का v1 था इस वाले नोड पे, v था, ठीक है। मैंने कहा एक पल के लिए ऐसे मानते हैं कि इसमें ये इनके दोनों के बीच में नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट, हमें सारी वैल्यू पता है, इसमें बस रखते जाना। तो आई नोड प्लस आई, तो ये कितना हो जाएगा, v1 की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे v1 की वैल्यू हमने निकाली थी कहाँ पर है, -40 आई नोट। तो इसको यहाँ पे लगा दो, -40 आई नोट j20, -40 आई नोट और -j10। यहाँ पे v रहने दो, v -j10। हमें v अपॉन आई निकालना, तो अभी आई नोट भी यहाँ पे देखो, आई नोट एक्स्ट्रा आ रहा है। आई नोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, आई नोट की जगह मैं लिख लूंगा v अपॉन माइनस फोर्टी फोर प्लस आई, ये कितना आ जाएगा, इससे ये 2 times कैंसिल, और जे ऊपर जाएगा प्लस जे हो जाएगा, j2 आई नोट, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस जे, इससे ये 4 times कैंसिल, और ये प्लस जे जाके ऊपर माइनस जे हो जाएगा, यानी -j4 आई नोट, ये माइनस जे ऊपर जाके प्लस जे हो जाएगा, प्लस जे वी अपॉन 10। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पे देखो अगेन वी वालों को एक पास करो, वी यहाँ पर है, अभी यहाँ पे तो आई नोट और आ रहा है, आई नोट को भी चेंज करेंगे ऐसे ही, तो -v/44 प्लस आई, j2 में j4 गए तो -j2, आई नोट की वैल्यू कितनी है, आई नोट की है v अपॉन माइनस फोर्टी फोर प्लस j v अपॉन 10। ठीक है, तो v तीनों v वालों को एक पास करो, तो i कष्ट कितना आ जाएगा, v अपॉन इधर आके 44 प्लस हो क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस j2 अपॉन 44, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये j अपॉन 10। तो जब इसे सोल्व करेंगे v अपॉन i आएगा हमारा, v अपॉन i जो आएगा, ठीक है, वही होगा ZTH, वो आएगा सोल्व होके 440/10 प्लस j64। ठीक है, ये सोल्व होकर आएगा। अब मुझे चाहिए क्या, RL जो होता है वो मोड ऑफ ZTH होता है, तो मैं इसका जब मोड निकालूंगा 440 का, तो 440 रह जाएगा, नीचे वाले का कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर और 64 का स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 6.79 ओम। ठीक है, तो RL की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, देखिए काफी आसान था इसी तरह से। नेक्स्ट, अब देखो इतना आ गया, बस हमें RL की वैल्यू पूछी थी, अगर आगे पूछा होता पावर मैक्सिमम तो VTH निकालना पड़ता हमें, ठीक है, तो हमें बस RL की वैल्यू पूछी थी, तो यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो हम इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।